यूपी के बुलंदशहर में आरएलडी नेता ठाकुर सुनील सिंह के खिलाफ नौकर की हत्या का केस दर्ज किया गया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक कई महीने से बकाया वेतन मांगने पर सुनील सिंह ने नौकर की गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी की वारदात सामने आई है। आरोपियों ने घर में घुसकर नाबालिग से गैंगरेप किया और उसके बाद उसे चाकू से गोद दिया। नाबालिग की नाजुक हालत को देखते हुए उसे इलाज के लिए इलाहाबाद रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में 22 साल की महिला के साथ बस ड्राइवर और हेल्पर ने गैंगरेप किया। बस से बाकी सवारियों के उतरने के बाद आरोपी महिला को जंगल ले गए और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में नकाबपोश बदमाश ने घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश की। आरोपी ने महिला के 3 बच्चों को बंधक बना लिया और रेप का विरोध करने पर महिला को चाकू मारकर फरार हो गया। अस्पताल में भर्ती महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में नकाबपोश बदमाश ने घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश की। आरोपी ने महिला के 3 बच्चों को बंधक बना लिया और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बदमाशों ने घर में घुसकर एक कारोबारी और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। लूट के इरादे से घुसे बदमाशों ने बच्चों को भी गला दबाकर मारने की कोशिश की और बेहोश बच्चों को मरा समझकर छोड़ दिया। कैश और ज्वेलरी लूट कर भाग रहे बदमाशों के हमले में घर में मौजूद बुजुर्ग महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई है। पंजाब के भटिंडा में माँ के साथ रोजाना मारपीट से नाराज बेटे ने चचेरे भाई के साथ मिलकर बुजुर्ग पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी। इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे के पास पिंपरी इलाके में बिल्ली के घर में घुसने को लेकर हुए विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई। आरोप है कि महिला की बिल्ली पड़ोसियों के घर में घुस गई थी, जिसका पता करने महिला उनके घर पहुंची थी। इसी दौरान पड़ोसियों ने डंडे से उसके सिर पर वार कर दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के कपूरथला में पुलिस ने एक ट्रक शराब जब्त की है। रोकने पर ड्राइवर ने ट्रक भगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक बेकाबू होकर खेत में पलट गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक में लदी शराब को दूसरी गाड़ी में रखवाया। आरोप है कि इस काम के बदले पुलिस वालों ने लोगों को शराब की बोतल मेहताने के तौर पर बांटी। यूपी के बदायूं में 2 महिलाएं ज्वेलरी शोरूम से 6 लाख के सोने के गहने लेकर फरार हो गई। चोरी की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वारदात 20 जून की है। दुकान के मालिक ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है।